आज की बात में आपका स्वागत। और आज की बात को शुरू करते हैं बुद्ध वचनों के साथ। हमने आपको बताया था कि तथागत बुद्ध चार प्रणिधानों के साथ, यानी कि महासंकल्पों के साथ, वे अपने जीवन में आगे बढ़े हैं और उन्होंने एक बेहतर जीवन को पाते हुए हम सबके लिए एक बेहतर जीवन का आदर्श हम सबके सामने रखा है। उन संकल्पों में एक जो पहला संकल्प है, वो संकल्प क्या है कि सबके प्रति, यानी सभी सत्वों का उद्धार करने का संकल्प। ये संकल्प बुद्धों का सबसे बड़ा संकल्प होता है। फिर दूसरा संकल्प वो लेते हैं क्लेशों से मुक्ति पाने का संकल्प। तीसरा संकल्प उनका होता है उपदेशों का अध्ययन करने का संकल्प। और फिर अनुत्तर ऐसी सम्यक संबोधि को प्राप्त करने का संकल्प। ये जो चार संकल्पों के साथ बुद्ध का जीवन आगे बढ़ता है, वैसे ही वो आदर्श भी अपने भिक्खु संघ के द्वारा हम सबके सामने रखते हैं। आइए उससे आगे हम उस बात को समझने का प्रयास करेंगे। जब ये जो तथागत बुद्ध की महाकरुणा है, ये करुणा हम सब पर जब अपनी ममतामयी छाया को प्रकट करने लगती है, तो देखिए क्या होता है कि भगवान बुद्ध ने बुद्ध बनने के लिए हिंसा, यानी कि पाणातिपात, ये शीलों में आता है। पांच शील जो होते हैं बौद्धों की जीवन शैली में, कि पाणातिपात, पाणातिपात वीरमणि, यानी कि हिंसा से विरत रहना, हिंसा के पाप से परावृत्त होने की साधना तथागत करते हैं, और फिर उसके पुण्य के बल पर लोगों के दीर्घायुष्य की कामना करते हैं कि सबको दीर्घ आयुष्य कैसा मिले, सबकी आयु लंबी कैसे हो जाए, वो कैसे बढ़े, इसके लिए वो कामना करते रहते हैं और हिंसा से परावृत्त हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि बुद्ध ये चोरी, यानी कि जिसको हम अदत्त आदान, यानी कि आदिन्नादाना जिसको कहते हैं, इस चोरी के पाप से परावृत्त होने की वो स्वयं भी साधना करते हैं और इस पुण्य के बल पर लोग चाहे सो प्राप्त कर सके इस बात की कामना करते हैं। मतलब किसी की चीज जो हमारी नहीं है, उसको चोरी से, छल से, कपट से लेने की बात तथागत त्याग देते हैं और इसके लिए लोगों को प्रवृत्त भी करते हैं कि वह ऐसा ना करें। और इस पुण्य के बल पर बौद्धों के जीवन शैली का एक बड़ा ये महत्वपूर्ण आचरण है कि वे पुण्य का संपादन करते हैं, अच्छाई का संपादन करते हैं। और पुण्य के संपादन में एक बड़ा फायदा होता है, ऐसे तथागत कहते हैं कि हम जब एक सुखी जीवन की ओर जाना चाहते हैं तो हमने पुण्य का संपादन करना चाहिए, ये तथागत कहते हैं। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं कि इस अदिन्नादाना से, यानी कि चोरी के इस बुरे कर्म से विरत रहकर वे इस पुण्य के बल के द्वारा इस बात की कामना करते हैं कि लोग जो चाहे वो उन्हें प्राप्त हो जाए। और फिर काम मिथ्याचार से प्रवावृत्त होने की साधना वो करते हैं और उसके पुण्य के बल पर इस बात की कामना करते हैं कि लोगों के हृदय में अधम वृत्ति पैदा ना हो और उनके शरीर को क्षुधा या तृष्णा से कष्ट ना हो। मतलब जो काम वासना से दूर हो जाते हैं, उससे विरत हो जाते हैं, व्यभिचार की उस भावना से विरत हो जाते हैं, तो फिर वो एक दूसरा कामना करते हैं उस व्यभिचार की भावना से विरत होने के बाद। फिर एक कामना करते हैं, एक इच्छा प्रकट करते हैं और वो इच्छा होती है कि किसी भी शरीर को तृष्णा से कष्ट ना हो। और फिर ये तृष्णा से कष्ट ना होने वाली जो बात है, इस बात को अपने पुण्य के बल से उसको आगे बढ़ाते हैं। और फिर बुद्ध बनने के लिए मृषावाद, यानी कि मुसावादा, ये जो मृषावाद है, इस असत्य कथन से परावृत्त होने की वो साधना करते हैं और इस पुण्य के बल पर इस बात की कामना करते हैं कि लोगों को सत्य वचन से प्राप्त होने वाली हृदय में शांति का अनुभव हो सके।
ये जो शांति का अनुभव होने की बात जो है, लोग बड़े अशांत हैं और इस बात के लिए बड़े आशंकित भी हैं और बड़े आशावान भी हैं कि उन्हें शांति मिले। लेकिन शांति मिलने के लिए उन्हें असत्य कथन से दूर जाना होगा, यानी कि मुसावादा, इससे विरत होना होगा, इससे वीरमणि होना होगा। ये दो तरह की बातें करने से, परावृत्त होने की साधना करके उन्होंने इस बात की कामना की कि लोग सदा, देखिए तथागत जब इस महाकरुणा को लोगों में जब प्रचारित और प्रसारित करते हैं तो फिर अपने करुणा के साए में उनको जब लेते हैं तो कैसे करते हैं कि सदा आपस में मिलजुल कर रहें और एक दूसरे से धम्म की बात करें, यानी कि धम्म श्रवण करना, और फिर निंदा से परावृत्त होने की साधना कर इस बात की कामना करते हैं कि लोगों का हृदय शांति का अनुभव करें और कभी अस्वस्थता का अनुभव ना कर सके। देखिए अगर सबका मन अस्वस्थता से बाहर हो जाए तो देखिए वो शांति को अनुभव करेगा। और फिर वो कहते हैं कि व्यर्थ बातों से परावृत्त होने की साधना इस बात के लिए की गई कि लोगों में दूसरों की सहायता करने की भावना का विकास हो सके। जब व्यर्थ बातों से हम लोग परावृत्त हो जाते हैं तब एक दूसरे की सहायता करने की जो भावना है वो भावना हम में विकसित होती है। और तथागत कहते हैं कि फिर तथागत बुद्ध, अगर हम उनके जीवन को देखें तो वो क्या करते हैं कि बुद्ध, ये बुद्ध बनने के लिए लोभ से मोह से परावृत्त होने की साधना करते हैं और इस पुण्य के बल पर लोगों का हृदय लोभ रहित होने की वो कामना करने लगते हैं और उनको इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि वे आसक्तियों से दूर चले जाएं। और फिर जब द्वेष से, आसक्ति से, लोभ से, मोह से लोग परावृत्त हो जाते हैं तो उनके हृदय में सद्भावना का संचार होने लगता है। हम लोग आजकल बहुत इस बात पर चिंतित रहते हैं कि भाई लोगों में सद्भावना नहीं है, तो सद्भावना इसलिए नहीं है कि लोग स्वार्थी हैं, लोग द्वेष में फंसे हैं, लोग लोभ में, मोह में, माया में, आसक्ति में फंसे हुए हैं और इसलिए वे अपने स्वार्थ परक, स्वार्थ मूलक आकांक्षाओं के कारण ऐसे होते हैं। और इसलिए तब सद्भावना आएगी जब हम द्वेष से परावृत्त हो जाएंगे। और फिर वे कहते हैं कि मृढ़ता से परावृत्त होने की साधना कर तथागत क्या करते हैं, अपने हृदय में हेतु फल के सिद्धांत की उपेक्षा करने का गलत विचार पैदा ना हो इसके लिए वो कामना करते हैं कि उपेक्षा का भाव तो आए और लोगों के मन में गलत भावना पैदा ना हो। ये उपेक्षा करने का जो गलत विचार है वो पैदा ना हो इसके लिए तथागत कामना करते हैं। और ये इस प्रकार बुद्ध की करुणा का रुख, ये जो इस प्रकार से तथागत बुद्ध की करुणा का रुख हम सब पर इस तरह से छाने लगता है, इस तरह से बढ़ने लगता है, इस तरह से व्यक्त होने लगता है कि इन सत्वों के सुख की कामना के सिवा उनके मन में कुछ और नहीं होता। और फिर बुद्ध सभी सत्वों पर माता पिता के समान एक सा प्रेम करते हैं और उन्हें भवसागर पार कराने की कामना करते हैं। माता पिता जैसे अपने बच्चों पर एक सा प्यार करते हैं, चाहे जितने बच्चे हो, वो जो एक सा प्यार होता है वो करने की कामना फिर तथागत हम सबके मन में आएगी। ये बात कहते हैं कब, यदि हम द्वेष मूलक भावनाओं का अंत करके अगर अपने जीवन को आचरण करने लगे, और तब कहीं हम उस द्वेषमूलक भावना से निकलकर सद्भावना की ओर चले आएंगे। और यही महाकरुणा की बात है। इसको बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब ये बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ की रचना की तो इसके अंतिम पृष्ठ पर ये एक प्रतिज्ञा लिखी हुई है। इस प्रतिज्ञा का जो भावार्थ है वो यही है। वहाँ लिखा गया है बुद्ध और उनका धम्म में कि संसार में अनंत प्राणी हैं, आओ हम सब प्रतिज्ञा करें, सबको एक एक करके भवसागर पार ले जाएंगे। ये जो प्रतिज्ञा है, बस यही प्रतिज्ञा यहाँ तथागत लेकर चलते हैं
और वो भी निर्वाण की ओर चले जाते हैं। वो अपने शिष्यों को भी इसी भावना के अभ्यास का पाठ पढ़ाते हैं और उनसे ये अभ्यास कराते हैं, वो भी भवसागर पार यानी कि निर्वाण के करीब चले जाते हैं और एक सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। हम सब भी अगर चाहते हैं कि एक सुखपूर्वक जीवन यापन करें तो बस यही बात है कि हम अपने मन से द्वेषमूलक भावनाओं को निकाल दें और सद्भावना को अपने मन में भर लें। आज की बात में बस इतना ही।